गले में गमछा, माथे पर टीका, हाथ में हारमोनियम, भोले भक्ति में भोजपुरी के सलमान खान कहे जाने वाले पावर स्टार पवन सिंह लीन में हैं। सावन आते ही भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह पर भी शिव का खुमार चढ़ गया है। भगवान शिव की भक्ति में लीन पवन सिंह ने नया गाना रिलीज किया है जो कि देखते ही देखते वायरल भी हो गया। पवन सिंह का नया गाना एक बार फिर से सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते नजर आ रहा है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का सावन स्पेशल गाना ए भोले बाबा रिलीज के साथ ही वायरल हो गया। एक बार फिर से पवन सिंह ने अपने इस भक्तिमय गाने से शिव भक्तों पर जादू कर दिया। इस वजह से ये गाना तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि सावन की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में भोजपुरी गानों की खूब बरसात होती है। एक से बढ़कर एक गाने भोजपुरी के जाने माने कलाकार लाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पवन सिंह ने अपने पहले ही गाने से श्रद्धालुओं को भक्ति के सागर में सराबोर कर दिया। वहीं कावड़ लेकर बाबा भोलेनाथ के दर जा रहे श्रद्धालुओं के बीच भी पवन सिंह का ये गाना खूब सुना जा रहा है। इस गाने को 24 घंटे से भी कम समय में 50 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। ये गाना हर सेकंड तेजी से व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गाना है भोले बाबा को माँ अम्मा फिल्म भक्ति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया, जिसे खूबसूरत आवाज पावर स्टार पवन सिंह ने दी है। इसे लेकर पवन सिंह ने कहा है कि भगवान शिव हमेशा से हमारे आराध्य रहे हैं, ये पवित्र महीना उनके लिए समर्पित है। ये मेरा गाना भगवान भोलेनाथ के भक्तों को समर्पित है जो कठिन तप कर इन दिनों कांधे पर कांवड़ लेकर उनके दरबार जाते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। मेरी श्रद्धा बाबा भोलेनाथ में अटूट रही है, इसलिए हर साल उनकी स्थिति में मैं भी भक्ति गीत लेकर के आता हूँ। इस साल भी कई भक्ति गीत लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले भोजपुरी के श्रोताओं के साथ साथ भगवान शिव के श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस नए गाने को और भी बड़ा बनाएं। पवन सिंह के इस अपील के बाद से भोजपुरी के दर्शक जो पवन सिंह के दीवाने हैं, उन्होंने इस गाने पर भरपूर प्यार लुटाया है। गाने के व्यूज बता रहे हैं कि लोग अपने चहेते स्टार को कितना भर भर कर प्यार दे रहे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का ये गाना एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।